नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है पंजाब के बड़े नेता और कांग्रेस के भी बड़े नेता और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, वकील और पता नहीं क्या क्या। उनका नाम है मनीष तिवारी। उनकी बारी आज सीधी बात में है। मनीष जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। कांग्रेस पार्टी का पंजाब के लिए युद्ध छिड़ गया है। आपको लगता है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए तैयार है? प्रभु जी, आपने एक बहुत गंभीर सवाल पूछा है और मैं इसका बहुत विस्तृत जवाब देता हूँ। पंजाब में दो समानांतर रास्ते चल रहे हैं। एक तो जो राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अकाली बसपा का गठबंधन हो, पता नहीं वो कितनी देर चलेगा कितनी देर नहीं चलेगा, आम आदमी पार्टी हो, बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो सब चुनाव की तैयारी कर रही हैं जो जनवरी फरवरी 2022 में होगा। और एक समानांतर रास्ता और है कि पंजाब का जो आवाम है, पंजाब के बच्चे, पंजाब की महिलाएं, पंजाब के बुजुर्ग, पंजाब के किसान, वो पिछले 8 महीने से सड़कों के ऊपर है, सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं, उन्होंने तपती गर्मी में, कोविड की दूसरी लहर में, सर्दी में अपना मोर्चा नहीं छोड़ा है। और वो जो पंजाब का आवाम है, वो दिल्ली तक से इंसाफ मांग रहा है। और पंजाब के जो 12,500 गांव हैं, वो 12,500 गांव इस आंदोलन में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो पंजाब का आवाम आज पंजाब के नेताओं से एक बात कह रहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, मैं एक मिनट खत्म करता हूं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपना जो भी अंतर विरोध है उसको छोड़ते हुए आप हमारी पीठ पे खड़े हुए, और जो हम इंसाफ की लड़ाई दिल्ली तख्त के साथ लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। और पंजाब के राजनीतिक दल बहुत भूल कर रहे हैं ये सोचकर कि ये जो आने वाला समय है ये कोई समानांतर समय रहेगा। पंजाब में एक सोशल अपहीवल है और वो किसी भी तरफ जा सकता है प्रभु जी। नहीं, आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि ये जो सोशल अपहीवल जो हो रहा है, एक पैरेलल मूवमेंट चल रहा है। तो आपको लगता नहीं कि आपकी पार्टी के विरोधी बात कर रहे हैं कि आपकी पार्टी को भी दलगत नीति से ऊपर उठना चाहिए? पंजाब की जो जनता सड़कों पर आई है, हालांकि बीजेपी का ये मानना है कि आंदोलन फेल हो गया है, ये कुछ ऐसे लोग हैं, कई बार तो उनको खालिस्तानी का नाम भी दे देते हैं, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, परंतु किसान आंदोलन लगभग लगभग ऐसा लगता है सुर्खियों से हट गया है। पर कांग्रेस पार्टी को भी आपने कह दिया कि उसके भी उठना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं कि कांग्रेस किसानों के साथ है या नहीं है? वो भी दलगत राजनीति कर रही है किसानों के साथ। मैं प्रभु जी आपकी बात का दो टुक जवाब देता हूँ। मेरा जो संसदीय क्षेत्र है वो पंजाब के 4 जिलों में पड़ता है, मोहाली, रोपड़, शहीद भगत सिंह नगर और होशियारपुर। शायद भूगोलिक तौर के ऊपर पंजाब का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है और पूरी तरह से ग्रामीण है। 1800 गांव उस संसदीय क्षेत्र में पड़ते हैं। और जब मैं अपने संसदीय क्षेत्र में जाता हूँ तो हमारे जो लोग हैं, हमारा जो आवाम है, वो हमसे ये कहता है, आप तो पंजाबी समझते हो कि तवाड़ी साहब अपनी लड़ाई लड़ुई छड़ के, आ चोना वाली लड़ाई छड़ के, जड़ी दिल्ली तक ना लसी लड़ाई लड़ रहे हैं, साड़ी पिठ से खड़े हो। और वो इसलिए कहता है क्योंकि जब ये काले कानून आए थे, जब ये ऑर्डिनेंस बना था, तो सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई थी इस अध्यादेश के खिलाफ तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उठाई थी कि इससे बहुत बड़ी हानि पंजाब के और देश के किसानों की होने वाली है। और पंजाब पहली ऐसी विधानसभा थी जिसने सत्र बुलाकर एक यूनानिमस तरीके से, सर्वसम्मति से, दो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को छोड़कर इन काले कानूनों को खारिज किया था। कि आपके कैप्टन साहब कानूनों के खिलाफ खड़े हुए, पर सरकार का कहना यह है कि इस सरकार ने MSP ख़त्म नहीं की, प्रोक्योरमेंट पहले से ज़्यादा हुई, मंडियां ख़त्म नहीं की, वो उससे मंडियां भी वैसे की वैसी चल रही हैं। तो आप किस चीज़ की चिंता कर रहे हैं? कानून अगर बन भी गए हैं, इम्प्लीमेंट कहाँ हुए हैं वो? प्रभु जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर ये कानून इतने ही अच्छे हैं, किसानों के हक में हैं, अगर MSP ख़त्म नहीं हुई, अगर सरकारी खरीद ख़त्म नहीं हुई, तो किसान सड़कों के ऊपर क्यों है?
फिर किसान उत्तेजित क्यों है? और अगर कोई ये कहना चाहे कि ये 5-7 हजार आदमियों का आंदोलन रह गया है, तो फिर उसको तथ्यों का ज्ञान नहीं है, जमीनी परिस्थिति का ज्ञान नहीं है। पंजाब के, हरियाणा के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर गांव का इसमें योगदान है। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी और हम ब्रॉडकास्ट सर्विस रेगुलेशन बिल लेके आ रहे थे, मरहूम प्रिय रंजन दास मुंशी उस समय सूचना और प्रसारण मंत्री थे, तो सरकार ये कह रही थी कि ये जो विधेयक है ये प्रचार प्रसार इंडस्ट्री के हक में है, और आप लोग कह रहे थे कि हमारे हक में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने उस विधेयक को वापस ले लिया। जिनके लिए हम विधेयक लेके आ रहे थे, अगर वही इस विधेयक को मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर उस विधेयक का क्या औचित्य बनता है? और यही तर्क आज भी लागू होता है कि जिन किसानों को आप कह रहे हैं कि आपके हक में हम विधेयक लेके आ रहे हैं, वो किसान कह रहे हैं कि हमारे हक में नहीं है, इसको वापस लीजिए। नहीं, किसान नहीं कह रहा, उनका कहना, आपके विरोधियों का कहना है, ये किसान नहीं कह, क्योंकि आपका चुनाव है, आपकी सरकार वहाँ फेल हो गई है कई मुद्दों के ऊपर, आर्थिक विकास ज़्यादा वहाँ पर नहीं हुआ है, आपके कोविड का हैंडलिंग भी गड़बड़ हुआ है, कोविड के इंजेक्शन ब्लैक में बेच दिए गए हैं वहाँ पर दवाइयों के, उनको दफा दफा करने के लिए आपने ये खड़ा कर रखा है का आंदोलन डाइवर्सिटी टेक्निक के लिए, ऐसा उनका आपके खिलाफ आक्षेप है। प्रभु जी, मैं इन सारे लांछनों को सिरे से खारिज करता हूं और इसका एक एक करके जवाब देता हूं। पंजाब की सरकार ने आंदोलन को प्रोत्साहन नहीं दिया, पर हां, जो आंदोलन की मांगे हैं, हम उसके साथ पूरी तरह से कंधा मिला के खड़े हैं। ये रही पहली बात। दूसरा, पंजाब के कृषि क्षेत्र में, पंजाब की जो कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था है, उसमें आढ़तियों का और किसानों का चोली दामन का साथ है, जिसके पंजाबी में कहते हैं 9 मास का साथ है। उनको बिचौलिए कहना, उनको मिडलमैन कहना, ये आप उनका उनकी तौहीन कर रहे हैं। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है रूरल इकोनॉमी को, उसको आप इंसल्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर आप लांछन लगा रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि अगर सब कुछ ठीक ही है, तो एनडीए भाजपा का कोई भी मंत्री बगैर सिक्योरिटी के चले जाए शंभू बॉर्डर के ऊपर या सिंगू बॉर्डर के ऊपर, और जरा किसानों से बात करके देखे, तो उनको समझ आ जाएगा कि ये आंदोलन कोई प्रोत्साहित कर रहा है कि ये आंदोलन स्पॉन्टेनियस है। मैं बहुत ही गंभीरता से एक बात कहना चाह रहा हूं प्रभु जी, एक बार मैं बात अपनी खत्म करता हूं। ये चीन की फौज दोबारा से, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ, चीन की फौज आपके पूर्वी लद्दाख में फिर से घुस आई है, आपके जम्मू कश्मीर में अभी भी बहुत ज्यादा आंतरिक तनाव है। अगर पंजाब पूरी तरह से एक बार फिर डिस्टर्ब हो गया, तो आप वो जो काले दिन थे 1980 से लेके 1995 वाले, आप उसकी तरफ चल पड़ेंगे। इस केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये सरहद का सूबा है, बहुत संवेदनशील परिस्थिति है, और वो पिछले 7-8 महीने से केंद्र की सरकार आग से खेल रही है। नहीं, आपका कहना फिर वही है ना कि मैं वो जो बात नहीं कहना चाहता, इसके बारे में ये है कि अगर आप किसानों की बात नहीं मानेंगे, वहाँ से जो आतंकवादी जो पहले होते थे 85-86 की जो बात कर रहे हैं आप बार बार 84 से पहले की, कि वहाँ पर खालिस्तानी एलिमेंट फिर से एक्टिव हो जाते हैं। बीजेपी का तो ये चार्ज यही है उनके कुछ लोगों का कि इस किसान आंदोलन के पीछे, जिस बात को मैं सहमत नहीं हूँ कि मेरे पास फैक्ट्स नहीं है, कि खालिस्तानी आ जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, ऐसी आप एक आशंका बता रहे हैं यहाँ पर। प्रभु जी, पंजाब में 1972 से लेकर जब से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश की संरचना की थी, उसके बाद जब 1972 की मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो ने 2 फैसले लिए, एक पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाएगा और दूसरा वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, तब से लेके आज तक जो ISI है, पाकिस्तान की डीप स्टेट है, वो पंजाब की अमन और शांति भंग करने की कोशिश करती है। और जब सामाजिक उथल पुथल होता है, सामाजिक तनाव होता है, तो ऐसे जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं और जो बाहरली शक्तियां हैं,
जो इस चीज की ताक लगाए बैठी रहती हैं कि किस तरह से ऐसी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए, वो बहुत एक्टिव हो जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है, पिछले नवंबर से इस अगस्त तक देखिए कि कितने ड्रोन्स पाकिस्तान से पंजाब में भेजे गए हैं, किस तरह के हथियार पाकिस्तान से पंजाब में भेजे गए हैं। पहले स्मॉल आर्म्स आ रहे थे, छोटे हथियार आ रहे थे, पिस्टल्स आ रही थी, अब बड़े हथियार ग्रेनेड आ रहे हैं। वो कोई पंजाब की अमन और शांति को बढ़ाने के लिए नहीं आ रहे, पंजाब की जो अमन और शांति है उसको भंग करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री, हम सब सांसद हाथ जोड़ के सरकार से ये बेनती करते आ रहे हैं कि पंजाब की जो बड़ी विचित्र परिस्थिति है उसको पहचानिए, पंजाब की जो अमन और शांति है उसको दोबारा से भंग होने मत दीजिए, ये जो पाकिस्तान और आईएसआई है इनके हाथों में मत खेलिए। मनीष जी, आपका ना ये है कि अगर आप किसानों की बात नहीं मानेंगे तो वहाँ पर आईएसआई आ जाएगा, वहाँ पर आतंकवादी छा जाएंगे, कि इनको आप किसानों से जोड़ रहे हैं। किसान आंदोलन जो है, जो राष्ट्रभक्ति है, मैं समझता हूँ कि सारे के सारे अपने आर्थिक मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। आप कहना चाहते हैं कि उनकी बात नहीं मान रहे, क्योंकि इसका कारण ये कि उनको कह रहे हैं कि आप किसानों की बात मानो नहीं। तो कैप्टन साहब जी का आप भी यही कह रहे हैं, आपको लगता है कि किसानों की बात नहीं मानने से आईएसआई घुस जाएगी पंजाब के अंदर? कि जो किसान आंदोलन है वो पूरी तरह से राष्ट्रवादी है, वो अपने हक हलाल की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दिल्ली तक से इंसाफ चाह रहे हैं। पर जब किसी भी प्रदेश में और खासकर सरहद के सूबे में परिस्थितियां बिगड़ती है, सामाजिक तनाव बढ़ता है, सामाजिक उथल पुथल होती है, तो जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो राष्ट्र विरोधी ताकतें उसका जरूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और आईएसआई का ये इतिहास रहा है कि अगर आप 1977 से उठा के देखें आज तक, उन्होंने कभी कोई मौका नहीं चूका पंजाब की अमन और शांति को भंग करने का। तो इसलिए किसान आंदोलन पूरी तरह से राष्ट्रवादी है, पर जब ऐसी सामाजिक उथल पुथल होती है, जब ऐसा सोशल अपहीवल होता है, तो ऐसी शक्तियों को मौका मिलता है। कि आपको लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से जो वहां हो रहा है उसका असर कांग्रेस की फेवर में जाना चाहिए, पर आपकी पार्टी यूनाइटेड है लड़ने के लिए सब चीजों को? पंजाब में जो दो समानांतर प्रक्रियाएं चल रही है, एक का चुनाव की प्रक्रिया जिसमें हम सब लोग भाग लेते हैं, और दूसरा किसान आंदोलन, ये दो समानांतर रास्ते हैं। और वो जो किसान आंदोलन है उस वो इतना भीषण रूप धारण कर लेगा कि ये जितने राजनीतिक दल हैं और उसमें मैं सभी को शामिल करता हूँ, उनको गांव में जाना मुश्किल हो जाएगा। मनीष, आप बिल्कुल एक तरफ ले जा रहे हैं। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि चुनाव होंगे, चाहे आप ये किसान का आंदोलन चलेगा या खत्म होगा, चुनाव से जुड़ा हुआ है ऐसा मानना है सब लोगों का, मेरा भी मानना है। जब तक चुनाव है तब तक किसानों का कोई फैसला ना मुझे सरकार करेगी ना आप उन्हें देंगे, पर क्या कांग्रेस पार्टी को भी, आप कांग्रेस के लोकसभा के MP हैं, आपको भी गाँव में जाते हुए डर लगता है क्या अभी? ऐसा है प्रभु जी, मैं तो अपने क्षेत्र से अभी वापस आया हूँ, 7 दिन अपने क्षेत्र में था, गांव-गांव घूम रहा था, और इसलिए मैं जानता हूं कि वहां पे लोगों में कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है, और इस आक्रोश और गुस्से को समझने की ज़रूरत है। ये हो सकता है कि मनीष तिवारी को दिक्कत ना हो, ये हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को दिक्कत ना हो, पर भारत की जमहूरियत में अगर किसी भी राजनीतिक दल को दिक्कत होती है आवाम तक जाने में, इसका मतलब जो लोगों में रोष है उस रोष को समझने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पंजाब में इंसिडेंट्स हुए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं, वो होने नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी जमहूरियत में, किसी भी लोकशाही में हिंसा का कभी सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन है, लोगों का जो एंगर है, उनका गुस्सा है, वो बढ़ता जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि ये सरकार, केंद्र सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है, वो हमारी बात नहीं सुन रही है। और उसके साथ साथ वो बाकी राजनीतिक दलों को भी ये कह रहे हैं कि भाई आप हमारी जो बात है, हमारी जो हमायत है, और जोर से करिए, जिससे कि जो हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं उस इंसाफ की लड़ाई की आवाज दिल्ली के दरबार तक पहुंचे। तो इसलिए एक बहुत ही विचित्र, बहुत ही नुएंस्ड परिस्थिति वहां पे बनती जा रही है प्रभु जी। अगर आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट में देखने की कोशिश करेंगे, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। पर मेरा ये आशंका है कि अगर केंद्र सरकार अपने
अपनी प्रतिष्ठा से नीचे नहीं आएगी, अगर अपनी जिद नहीं छोड़ेगी, अगर किसानों की बात नहीं मानेगी तो परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी। नेता कांग्रेस से बात कर रहा हूं कि कांग्रेस क्या वरिष्ठ नेता हैं, कोई झगड़ा इतने साल 6 महीने से चल रहा है आपकी कांग्रेस पार्टी के अंदर, आपको लगता है कि घोषित किया कि सिद्धू जी छोड़ के चले गए, कैप्टन साहब की कैप्टनसी में चुनाव लड़ा जाएगा, मैच खेला जाएगा, ऐसी चर्चाएं दिल्ली में हो रही हैं, परंतु आपको लगता नहीं है कि कोई समावेश जल्दी से निकलेगा, निकलने वाला है, लगभग बन गया है। हम ये मान करके चलते हैं कि सिद्धू जी अध्यक्ष बन सकते हैं, पर मेरे को लगता है वर्किंग प्रेसिडेंट के रेस में शायद आपका भी नाम है या था। मैं प्रभु जी आपकी बात का सीधा जवाब देता हूँ। 1966 में पंजाब का जो वर्तमान स्वरूप है उसका गठन हुआ, उसके बाद 1967 में चुनाव हुए, 72 में चुनाव हुए, 77 में चुनाव हुए, 80 में चुनाव हुए, 85 में चुनाव हुए, 92 में हुए, 97 में हुए, 2002 में हुए, 7 में हुए, 12 में हुए और 17 में हुए। इन सब चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जितनी सीट 2017 के चुनाव में मिली है, 18वें चुनाव में जितनी सीट कांग्रेस पार्टी को इस विधानसभा में मिली है, उतनी किसी राजनीतिक दल को पंजाब के इतिहास में नहीं मिली। दूसरी बात, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी पूरे मुल्क में हारी, पर पंजाब में 13 में से 8 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में पड़ी। 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए, 3 उपचुनाव हमने जीते। 5 कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, 5 कॉरपोरेशन के चुनाव हमने जीते। 98% से ज़्यादा हमने पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद जीती, और अभी नगर काउंसिल के चुनाव हुए, 99% से ज़्यादा हमने नगर काउंसिल जीती है, और ये सब कैप्टन अमरिंदर सिंह की रहनुमाई में हुआ है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप में हुआ है। तो अगर हम कोविड में फेल हुए होते, अगर हमने आर्थिक विकास ना किया होता, और आर्थिक विकास वाली आपकी बात कुछ हद तक सही है, बिकॉज केंद्रीय सरकार ने बहुत मतरेई माँ का सलूक किया है, तो पंजाब का आवाम निरंतर और लगातार 4.5 साल तक हर बारी जब चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी को इतना भारी बहुमत नहीं देता। तो इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पिछले 4.5 साल में पंजाब को एक बहुत ही सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की है, और एक सरहद का सूबा होते हुए, एक बड़ी विचित्र परिस्थिति होते हुए, फिर भी उन्होंने पंजाब को राजनीतिक स्थिरता दी है। आपको लगता है जो चुनाव पंजाब का अगर होगा, अब चुनाव के अंदर आप कैप्टन के साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, पिछली बार बड़ा लेट किया था अनाउंस करने के अंदर, अभी तक ये लगता है कि सिद्धू साहब भी आ रहे हैं, और सिद्धू साहब और कैप्टन साहब और बाकी सब मिलकर के चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ने से फायदा कांग्रेस को होगा? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पिछले 4.5 साल से पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सुचारू सरकार दी है, और 2022 का जो चुनाव है, पंजाब सरकार की पिछले 5 साल की जो परफॉर्मेंस है उसको मद्देनजर रखते हुए, और जो पंजाब के राजनीतिक मुद्दे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए होगा, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की जो कंट्रीब्यूशन है पंजाब की राजनीति को, उससे नकारा नहीं जा सकता। आज पंजाब में जो उनका स्टेचर है वो वैसा ही है जैसे प्रकाश सिंह बादल का है, एक 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 अलग जेनरेशनल स्टेचर है, उनको एक फादर फिगर के तौर पर लोग सब मानते हैं, और इसलिए जो कैप्टन साहब की कंट्रीब्यूशन रही है पिछले 50 साल से उन्होंने पंजाब की सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे हैं, अगर कोई भी उसको नकारने की कोशिश करता है तो मेरे हिसाब से ना तो वो ठीक है और बहुत बड़ी गलती करता है। देखिए, कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से, हर असेंबली में लगभग हारे हैं आप। आप देखिए कि वेस्ट बंगाल में 0 सीट, दिल्ली में 2015 और 2020 में 0 सीट, आंध्र प्रदेश में 2019 जहाँ रोज करते 0 सीट, नागालैंड 0, त्रिपुरा 0, सिक्किम 0। तो आपको लगता नहीं कांग्रेस का श्रिंकिंग बेस जो है उसमें कहीं कांग्रेस का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, या कोई आपके पास नारा और नेता दोनों नहीं है, ऐसी कमी आप महसूस करते हैं कि आप पुराने जो जीत के आए हैं, इलेक्शन रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो कांग्रेस इतना श्रिंक करके होगी, इसके लिए किसको जिम्मेवार मानेंगे आप? देखिए, आपकी बात प्रभु जी सही है कि 2014-2019 में हमको शिकस्त मिली, पर उसके बाद जो चुनाव हुए, हरियाणा में हमारी सरकार नहीं बन सकी, पर जो हमारी परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस
बहुत सही रही, और उसके अलावा झारखंड में हम गठबंधन की सरकार में हैं, महाराष्ट्र में हम गठबंधन की सरकार में हैं, तमिलनाडु में जो डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है वो आज तमिलनाडु की सत्ता के ऊपर काबिज है। हाँ, कुछ प्रदेशों में हमको ज़रूर शिकस्त मिली है और उसके विभिन्न कारण हैं। मैं उस समिति का सदस्य था जिसने केरल, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल की परिस्थिति को संज्ञान में लेके कांग्रेस अध्यक्षा जी को हमने रिपोर्ट दी है। तो अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग परिस्थितियां हैं, पर आपकी ये बात सही है कि हमको अपने आप को और सुदृढ़ करना पड़ेगा और मजबूत करना पड़ेगा। मैं आखिरी सवाल पूछने जा रहा हूं, आप ये मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर यही है कि गांधी परिवार के बिना तो कोई आपका और अध्यक्ष तो बन ही सकता? चुनाव आप अभी भी पोस्टपोन करते चले जा रहे हैं, चुनाव होगा होगा होगा, अभी होता तो है नहीं, एक्टिंग प्रेसिडेंट चल रहे हैं अभी तक। तो ये तो बात सच है कि कांग्रेस पार्टी बिना गांधी परिवार के उनका बेड़ा पार नहीं होता, ये तो मानेंगे आप? देखिए प्रभु जी, पिछले 14 महीने से कोविड की परिस्थिति के कारण कांग्रेस का जो संगठनात्मक चुनाव है वो नहीं हो पाया। कभी जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से संकोच नहीं रहा है चुनाव करवाने के लिए, और इसलिए जब परिस्थितियां सामान्य होंगी, कांग्रेस पार्टी में पहले भी चुनाव होते रहे हैं। जितेंद्र प्रसाद जी श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, श्री शरद पवार और श्री मरहूम राजेश पायलट जी सीताराम केसरी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, आपके तिरुपति में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव हुआ था। चलो मैं पंजाब की तरफ वापस जाता, आखिरी पंजाब में बीएसपी और अकाली दल के जो अलायंस है उसको आप किस तरह और आपको किस तरह से देखते हैं कि आप वाले जो हैं काफ़ी पॉपुलर हैं, 5 MP भी जितवा के एक बार आए थे वो वहाँ से, तो आपको लगता नहीं कि आपके लिए ज़्यादा खतरा है? ऐसा है प्रभु जी, जो अकाली दल बसपा का गठबंधन हुआ है, पहली बात तो मुझे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो चुनाव तक चलेगा कि नहीं चलेगा, और चल भी गया जो बहुजन समाज पार्टी का पिछोकड़ रहा है, जो उनकी परंपरा रही है, चुनाव वो किसी के साथ लड़ते हैं, सरकार किसी के साथ बनाते हैं, तो ये पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो उन्होंने 20 सीटें अकाली दल ने बसपा के लिए छोड़ी हैं वो बसपा की सीटें नहीं है, और इसीलिए पंजाब की बसपा में बहुत बड़ा अंतरकले है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, मुझे नहीं लगता कि उनके पास 117 सीटों में लड़ाने के लिए 117 सशक्त उम्मीदवार भी हैं। आपके 3 MLA जो उनका विरोधी दल का नेता था सुखपाल सिंह खैरा साहब, और 2 और अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, 6 और हमारा दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, वो तो हम नहीं उनको अंदर आने दे रहे हैं क्योंकि ज़मीन पे परिस्थिति बिगड़ जाती है। एक मेरे चुनाव में ही आ गया था 2019 में। तो इसलिए आपकी जो परिस्थिति आप दिल्ली से देखते हैं ये उसी तरह की हाइप है जिस तरह की हाइप पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की कोशिश की थी, और ये बलून बहुत बुरी तरह से पंक्चर होता है। तो आपको लगता है पंजाब में आप जितनी सीटें अब रिकॉर्ड से ले आए के आए थे 2017 में, उतनी आपको आएंगी, पहले से ज्यादा आएंगी या उससे कम हो जाएंगी आप? देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में पंजाब में 80 सीटें हैं कांग्रेस पार्टी की, और मेरा ये मानना है कि जनता भगवान का रूप होती है, पर पिछले 4.5 साल में जिन कठिन परिस्थितियों से हमने पंजाब को बचा के निकाला है, उस चीज़ को ज़रूर संज्ञान में रखते लेते हुए पंजाब की जनता एक बार फिर से हमको सेवा करने का मौका देगी, मेरा विनम्रता से ये मानना है। चलो मनीष, आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब देखेंगे इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है, उसमें आप क्या करती है और कैप्टन साहब वहाँ लीड करते हैं या नहीं करते, या सिद्धू वहाँ पर छक्के चौके लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे सीधी बात। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।